हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी पैकर वर्ल्ड। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर आज 4 नवंबर के लिए इंट्राडे जो कोर्स दिए थे मंडे मार्केट के लिए, तो यहाँ पर सभी में बहुत ही अच्छा मूवमेंट रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आज के जो नए कॉल्स हैं जो मैं नेक्स्ट डे के लिए आपको देने वाला हूँ, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और टेलीग्राम चैनल पर आज कॉल्स ज़्यादा कुछ दे नहीं पाए क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क था। आज मार्केट में जितने भी स्टॉक थे सभी ने देखा होगा कि क्या हो रहा था। निफ्टी ऊपर जाने की बजाय फिर नीचे आ गया था ऊपर जाकर, और फिर नीचे जाकर वापस रिकवर किया है। तो वहाँ पर बहुत से स्टॉक्स में गड़बड़ हुई हैं, तो वैसे में बहुत से लोग आज फंसे होंगे और बहुत से लोगों को लॉस भी हुआ होगा। तो वहाँ पर हमने टाइम पर एग्जिट ही करवा दी थी पोजीशन और अलर्ट कर दिया था कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो जितने भी बाई के कॉल्स थे सारे के सारे फ़ौरन कैंसिल करवा दिए, जिसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा था SBI में, तो वो SBI में बुक कर लिया था। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बाद में हीरो मोटर कॉर्प में एकदम कंफर्म कॉल था, जिसमें हमने एक बड़ा टारगेट लेकर काफ़ी बड़ा प्रॉफिट निकाला है। तो चलिए गाइस, देखेंगे हमारे इंट्राडे कॉल्स फॉर 5 नवंबर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और सभी को मार्केट में प्रॉफिट हो सके। तो यहाँ पर गाइस आप स्टॉक्स में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे साथ, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे इंट्राडे कॉल्स। तो गाइस ये थे हमारे 4 नवंबर के कॉल्स, जो हम जल्द से जल्द देख लेते हैं ये कौन कौन से कॉल्स हमने लिए थे मंडे मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहला हमारा कॉल था HDFC का, जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, एक पॉइंट से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है वो, और वापस पूरा का पूरा रिकवर कर गया था। तो सेल के कॉल बन रही थी 100% तो नहीं, बल्कि 90% उसमें चांस थे कि मार्केट में इसको नीचे जाना चाहिए, बट फिर भी ये नीचे जाता जाता फिर वापस ऊपर रिकवर कर गया, और जो स्टॉक ऊपर की तरफ जाने चाहिए थे वो नीचे की तरफ गिरे हैं। ऐसा बहुत से स्टॉक्स में आज के दिन हुआ है, बट मार्केट कल के लिए काफ़ी कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट में कल गिरावट आनी ही चाहिए, और आज भी गिरावट आनी ही चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर रिकवरी फिर से देखने को मिल गई थी पूरी गिरावट के बाद। तो बहुत सी गड़बड़ें हुई हैं, बट हम टाइम पर एग्जिट कर गए थे, और काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद जब कन्फर्म कॉल मिला था हीरो मोटर्स में, तभी हमने उसमें ट्रेड किया था। और सेकेंड कॉल था हमारा इंडसइंड बैंक का, तो ये भी नहीं चला है, और ये भी बाय का कॉल लिया था, तो ये तो सेल में ही चला गया था, नीचे की तरफ चला गया था। हिंदाल को हमारा मॉर्निंग में ही टारगेट अचीव कर गया था, बहुत ही ज़्यादा इसमें मूवमेंट देखने को मिला था, 5% से भी ज़्यादा ये चला था। फोर्थ हमारा स्टॉक था गोदरेज कंज्यूमर का, इसमें आप लोगों को काफ़ी टाइमिंग मिल गई थी क्योंकि काफ़ी ऊपर ये ओपनिंग देकर फिर नीचे आकर इसने लेवल ब्रेक किया और काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। करीब ये 720 रुपये के भी नीचे चला गया था ये, और यहाँ पर तो हमारा टारगेट अचीव ही हो गया था, काफ़ी बड़ा पॉइंट था इसमें। और जो हमारा लास्ट कॉल था बलरामपुर चीनी का, तो ये भी काफ़ी ऊपर ओपनिंग दी थी, और फिर यहाँ से लेवल ब्रेक करने के बाद इसने भी सर पर गिरावट दिखाई थी और टारगेट अचीव कर गया था, और करीब 160 रुपये तक की गिरावट रही थी इसके अंदर भी, जो क्लोजिंग दी है इसने उसमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा रही थी। तो ये थे हमारे कॉल्स मंडे मार्केट के जो कम्प्लीट हो चुके थे। तो हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट डे के लिए इंट्राडे कॉल्स। तो गाइस ये रहे हमारे 5 नवंबर के लिए इंट्राडे कॉल्स। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं, लॉसेज रिकवर करने के चक्कर में और ज़्यादा लॉसेज हो जाते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी सर्विस ज्वाइन करने के बाद आपको उसमें ऐड कर दिया जाता है, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया है बाकी सारे वीडियोज़ में, अभी तो ओपन नहीं हो रहा है वेब पर, अभी कोई प्रॉब्लम आ रही तो वेब पर भी ओपन नहीं हो रहा है टेलीग्राम, जिस वजह से यहाँ पर मैं आपको कॉल्स नहीं दिखा पा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि किस तरह से कॉल्स रहे थे, तो हमने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अलर्ट दे दिया था, तो किसी को भी लॉस नहीं हो पाया है। जिसने एग्जिट नहीं किया होगा, डर के मारे होल्ड किया होगा, सिर्फ उसी को लॉस हुए होंगे, वो उसकी गलती से, बट हमने वहाँ पर टाइम पर एग्जिट करवा दिया था, जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा था तो वो भी बुक करवा दिया था। मार्केट कितना भी ख़राब हो, लेकिन हम टाइम पर अलर्ट देकर लॉसेस से बचकर प्रॉफिट ही लेकर निकलते हैं, चाहे कम निकले। अब मार्केट अच्छा होने पर हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकालते हैं। तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर ज्वाइन हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स मिलेंगे, 2 से 3 कॉल मिनिमम देते हैं, मार्केट अच्छा होता है तो 4 से 5 कॉल्स भी हम ले लिया करते हैं। तो गाइस वहाँ पर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स मिलेंगे। लाइव मार्केट में ये रहता है कि हमको ओपनिंग और डायरेक्शन बहुत ही क्लियर हो जाता है कि ओपनिंग कहाँ पर दे रहा है स्टॉक, और सही ओपनिंग देता है तो वहाँ पर डायरेक्शन क्या पकड़ रहा है अगर वो हमको मिल जाता है, तो उन्हीं स्टॉक्स में हम काम कर काफ़ी अच्छा बड़ा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप हमारे साथ काम कर अपने लॉसेज भी रिकवर कर पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे, चाहे आप कैश में काम करते हो, फ्यूचर ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहें हमारे साथ MCX में, तो आप हमारे साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइमिंग का इशू है कि आपके पास टाइम नहीं है इंट्राडे ट्रेड करने का, तो आप अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए भी दे सकते हैं, जहाँ पर आपकी ट्रेडिंग कर आपका प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है अकाउंट में। तो गाइज़ मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, और आप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
तो गाइज़ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा सबसे पहला कॉल जो है वो है SBI का। तो SBI में आप देख रहे हैं गाइज़ कि यहाँ पर मैंने आपको सेल का कॉल दिया, जितने भी कॉल्स मैं आपको दे रहा हूँ सेल के ही मिल रहे हैं मेरे को। तो यहाँ पर मैं आपको सेल के ही कॉल दे रहा हूँ, अगर सभी स्टॉक्स में मैंने यहाँ पर आपको सेल के कॉल दिए हैं और वो सही ओपनिंग देते हैं तो मार्केट में गिरावट आ सकती है। निफ्टी में भी आप सेल करके चल सकते हो, वहाँ पर भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर हम SBI को सेल करके चलेंगे 312.50 से। हमारा टारगेट रहेगा 309.35 का और SL हमारा रहेगा 315.6 का। यहाँ पर 38 आपको जो लिखा दिखा हुआ दिख रहा होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, एक्सेल फाइल है, तो 1% का टारगेट और 1% का SL का फॉर्मूला लगा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर सिर्फ नंबर डाला जाता है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर 38 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको आप 40 भी कर सकते हो या 35 भी लगा कर चल सकते हो। लेवल एग्जीक्यूट होते ही यहाँ पर आपको टारगेट अचीव होता हुआ मिल जाएगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, सपोर्ट लेना चाहते हैं, लाइव मार्केट में आप सर्विस ज्वाइन कर कर काम करेंगे तो बहुत ही तरीके से आपका लॉस रिकवर होगा और प्रॉफिट में आ पाएंगे। तो गाइज लॉसेस से बचने के लिए एक्सपर्ट की सलाह बहुत ही ज़रूरी होती है, एक्सपर्ट के साथ काम करेंगे तभी मार्केट में काम कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट हर एक के समझने का काम नहीं है, क्योंकि सभी का प्रोफेशन अलग है। वो यहाँ से पैसा कमाने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस कर जाते हैं, क्योंकि वो इसको जुए की तरह खेल जाते हैं। तो इन सब से लॉसेस से बचने के लिए आप सर्विस ज्वाइन कर कर काम करेंगे तो आपके लॉसेस भी रिकवर होंगे और आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगे, और आपको काफ़ी कुछ पता भी चल जाएगा कि अपना माइंड यूज़ करना चाहिए किसी एक्सपर्ट का। तो इन सारी डिफरेंसेस आपको पता चल जाएंगे। तो सेकंड कॉल हम देख लेते हैं। तो सेकंड कॉल है हमारा सिप्ला का। फार्मा स्टॉक्स में ज़्यादा कुछ मोमेंट तो देखने को नहीं मिला था, बट सिप्ला में यहाँ पर रिवर्सल क्रिएट हुए हैं, तो हम इसको नेक्स्ट डे में सेल करके चलेंगे। मोमेंट इतना ज़्यादा इसमें नहीं होता है, 1.5 से 2% का भी मोमेंट हमको मिल जाए तो बड़ी बात है इसमें, और 1% का तो इसमें मोमेंट हमको आराम से मिल जाता है जब भी ये लेवल ब्रेक करता है। तो हम इसको सेल करके चलेंगे 467 से। हमारा टारगेट रहेगा 462.30 का और SL हमारा रहेगा 471.70 का। तो SL मेंटेन करना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, अगर SL मेंटेन नहीं करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है लोगों से, और वो प्रॉफिट छोटे छोटे से निकालते हैं। प्रॉफिट जब दिखाई देता है तो जल्दी बुक कर लेते हैं, और लॉसेस होते हैं तो वहाँ पर वो अपनी पोजीशन क्रॉस ऑफ नहीं करते हैं, जिस वजह से और एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि ये वापस रिकवर होगा और हम प्रॉफिट में आएंगे, या फिर हम डे टू डेट भी आ गए तो हम अपनी पोजीशन निकाल देंगे, उस चक्कर में ये होल्ड करके रखते हैं और वहाँ पर काफ़ी बड़ा लॉसेस में चले जाते हैं, जिस वजह से अमाउंट ख़त्म होता है। और अगर एक आध प्रॉफिट हो जाए आपको तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, या फिर न्यूज़ेस देखते हैं तब तो भी वहाँ पर कॉन्फिडेंस आता है, तो आप और भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर वहाँ पर भी आपका लॉस होता है। तो फिर आप सभी जानते हैं, जिसके साथ भी हुआ होगा वो सारे सेंटिमेंट्स को अच्छी तरह से जानते होंगे। तो यहाँ पर सेंटिमेंट्स का काम नहीं रहेगा अगर हमारे साथ काम करेंगे। लाइव मार्केट में आपको टारगेट और SL के साथ ही कॉल्स मिला करते हैं, आपको सिर्फ मैसेज पढ़ना है, स्टॉक को करेंट मार्केट प्राइस से बाय करना है, अपना टारगेट और SL लगाकर क्लोज कर देना है। जब भी टारगेट अचीव होंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और गाइस हम अपना थर्ड कॉल भी देख लेते हैं। तो थर्ड कॉल जो है हमारा वो सेल का ही है, और यहाँ हम ITC को सेल करके चलेंगे। ITC में मॉर्निंग में बाय का कॉल बन रहा था, बट ITC में भी हमको तुरंत कैंसिल करवाना पड़ गया था, थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा था कुछ पैसे का, वहीं पर हमने अपनी पोजीशन क्रॉस ऑफ करवा दी थी तुरंत, क्योंकि वहाँ पर गड़बड़ी हो रही थी काफ़ी ऊपर ही जाकर, फिर वापस रिकवर हो रहा, यहाँ पर रिटर्न ले रहा था, गिरावट आ रही थी, तुरंत इसको हमने कॉस्ट टू कॉस्ट के थोड़ा सा ऊपर ही निकलवा दिया था, हल्का सा प्रॉफिट इसमें बुक हुआ था, क्योंकि यहाँ पर चांसेस लग रहे थे कि इसमें गिरावट आ जाएगी, इसलिए टाइम पर एग्जिट कर गए थे हम। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको टाइम पर अलर्ट मिल जाए तो आप लॉसेस से बच जाते हैं, और अच्छा कॉल मिल जाए तो काफ़ी बड़े प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पर भी हम सेल करके चलेंगे 260 से। हमारा टारगेट रहेगा 257.40 का और SL हमारा रहेगा 262.60 का। और एक्यूरेसी की बात करें तो 95 to 99% अभी तक रही है। मार्केट में आप कहें तो एक महीने में सिर्फ एक ही SL आया होगा, और टाइम पर एग्जिट करवाने की वजह से कोई लॉसेस नहीं गए हैं, किसी भी दिन सिर्फ एक SL आया था, और आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जिस वजह से हमको बहुत सी कॉल्स में से कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करवाना पड़ गया था। लॉस किसी में भी नहीं गया है, बल्कि प्रॉफिट ही निकला है। हिंदुस्तान सॉरी हीरो मोटोकॉर्प्स में हमने बड़ा टारगेट लिया था, जहाँ पर कभी करीब यहाँ पर हमने 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट गेन किया था। 30 पॉइंट्स हमको मिल गए थे हीरो मोटोकॉर्प में, क्योंकि एकदम कन्फर्म कॉल था, और बड़ी गिरावट उसमें देखने को बाद में भी मिली थी हमको, बट हमारा टारगेट पहले ही अचीव हो चुका था। टाइम लग गया था उसमें, लेकिन हो गया था हमारा टारगेट अचीव। और यहाँ पर हमारा फोर्थ कॉल है जो है वो वेदांता का है। तो गाइज यहाँ पर हम वेदांता में भी सेल की ही पोजीशन बनाकर चलेंगे। हिंदाल्को में भी काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी,
सभी मेटल स्टॉक में हमको काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली, बट मार्केट बंद होते होते इन सभी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है और काफ़ी कम पॉइंट्स के साथ ये बंद हुए हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत ही कम बचे थे। काफ़ी ऊपर जाकर वह काफ़ी गिरावट भी देखने को मिली है, तो जो क्लोजिंग हुई है वहाँ से रिवर्सल क्रिएट हुए हैं और कंफर्मेशन यही मिल रही है कि अब सेल हो सकते हैं मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा सेल आउट देखने को मिल सकता है कल के दिन आपको। तो निफ्टी में भी हम सेल की ही पोजीशन बनाकर चलेंगे कल के दिन, वो ओपनिंग पर डिपेंड करता है कि ओपनिंग कहाँ पर हो रही है मार्केट में। तो गाइस हम फोर्थ कॉल वेदांता को सेल करके चलेंगे 156.20 से, हमारा टारगेट रहेगा 154.65 का और एसएल हमारा रहेगा 157.80 का। और गाइस यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉल यानी कि लास्ट कॉल अपना देख लेते हैं। तो पेट्रोलियम, ये आपने देखा होगा कि सभी अलग अलग सेक्टर के स्टॉक में आपको पांचों कॉल अलग अलग सेक्टर के ही दे रहा हूँ यहाँ पर, ज़्यादातर यही करता हूँ मैं कि अलग अलग सेक्टर के हम एक एक स्टॉक उठाते हैं। तो यहाँ पर लास्ट कॉल है हमारा IOC का यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, तो हम इसको भी सेल करके ही चलेंगे। और आज भी इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, HPCL और BPCL में इतना ज़्यादा कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिला था, बट IOC के अंदर हमको मूवमेंट भी देखने को मिला है और गिरावट भी देखने को मिली है। तो नेक्स्ट डे में इसमें सेल की ही पोजीशन हमको दिखाई दे रही है और कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा, वैसी कन्फर्मेशन नहीं है कि कन्फ्यूज़न हो रहा हो, अदरवाइज मैं इसको अपनी लिस्ट में ही नहीं लेता। और SCL टेक्नोलॉजी को मैं लेने वाला था तो उसको मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पर मैं आपको सेल करने को बोलूँगा IOC के अंदर। तो 138 से हम इसको सेल करेंगे, 1% कटा के 136.60 का लगाएंगे और SL हमारा रहेगा 139.40 का। यहाँ हम 1% का टारगेट 1% का SL ले रहे हैं, जब भी जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका 1% आप निकालेंगे तो आपको 1% का प्रॉफिट, या 2 लाख भी इन्वेस्ट करके चल रहे हो मार्जिन के साथ यानी कि लिमिट के साथ, तो यहाँ पर आपको 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 2,000 का प्रॉफिट एक कॉल पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और लाइव मार्केट में हम मूवमेंट देख लेते हैं कितना मूव कर सकता है स्टॉक, उस हिसाब से हम टारगेट लेते हैं और बड़े टारगेट भी मिल जाते हैं हमको कई बार। तो अभी आपने देखा भी होगा कि हमने टाटा मोटर या जील में काफ़ी बड़ा टारगेट लिया था, करीब 25 पॉइंट लिए थे इतने छोटे स्टॉक के अंदर, करीब उसमें हमारा 10% का टारगेट से ज़्यादा का, 10% से भी ज़्यादा का टारगेट रहा था सिर्फ एक दिन के अंदर, तो वो भी हमने अचीव किया था फ्राइडे मार्केट को। तो इस तरह के मोमेंट वाले भी स्टॉक्स मिल जाते हैं जिसमें हमें बड़े टारगेट देने में कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से कन्फर्मेशन मिल जाती है। तो गाइज आप भी हमारी सर्विस ज्वाइन कर काम करें, स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है, सर्विस ज्वाइन कर काम करें, लाइव मार्केट में लाइव कॉल्स लेकर काम करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अकाउंट हैंडल करने को देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, और अप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपना अकाउंट अप स्टॉक्स में साथ ओपन कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।